दोस्तों शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म देवदास बॉलीवुड की आइकॉनिक और शानदार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को ऑडियंस का खूब प्यार मिला था, साथ ही इस फिल्म ने कई बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए थे। फिल्म का सुपरहिट गाना डोला रे डोला काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस गाने में माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय के जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस गाने की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय का कान बुरी तरह से जख्मी हो गया था, उनके कानों से खून बहने लगा था। इसके बावजूद भी बिना रुके ऐश्वर्या राय ने गाने की शूटिंग कंप्लीट की थी। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने पारो का किरदार निभाया था और इस गाने के लिए ऐश्वर्या को अपने कानों में काफी हैवी झुमके पहनने पड़े थे, जिसकी वजह से डांस के दौरान उनके कानों से खून बहने लगा था। और जब तक ये गाना कम्प्लीटली शूट नहीं हो गया था, तब तक ऐश्वर्या राय इतना दर्द सहती रही और उन्होंने पूरा गाना कम्प्लीट किया। और उसके बाद उन्होंने सबको बताया कि उनका कान बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और सिर्फ ऐश्वर्या राय ही नहीं बल्कि देवदास की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित भी प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी माधुरी दीक्षित ने रिस्क लिया और गजब की डांस परफॉर्मेंस भी दी, और दोनों ही अभिनेत्रियों के डांस और उनके किरदार की खूब तारीफ भी हुई थी।